हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लौंग का कुछ घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, लौंग का कुछ रामबन घरेलू उपाय जिसे आप अजमाकर आसानी से अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप लौंग का प्रयोग करके अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लौंग हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसका किचन में भी उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स, लौंग से सिर दर्द, खांसी, जुकाम अनेक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं इसका घरेलू उपाय करके। जी हाँ दोस्तों, लौंग काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, और इस बुखार के लिए भी बहुत रामबन घरेलू उपाय होता है लौंग। लौंग का आप उपयोग करके, सेवन करके बुखार को भी ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ कौन सा घरेलू उपाय है, कौन कौन सा बीमारी है जिसे आप लौंग का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको खांसी होती है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको खांसी की प्रॉब्लम है, खांसी होती है, तो इस उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको लेना है लौंग। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 आपको लौंग लेना है और 4 से 5 दाना काली मिर्च लेना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको लेना है अनार का छिलका। अनार नहीं लेना है, आपको अनार का छिलका लेना है, और इन तीनों को आप अच्छी तरह से पीस लें, यानी कि अच्छी तरह से इसका चूर्ण बना लें। फ्रेंड्स, याद रखना है, अनार, काली मिर्च और लौंग तीनों को बराबर बराबर मात्रा में ही लेना है आपको, किसी को कम ज़्यादा नहीं लेना है, बराबर मात्रा में ले और इसको अच्छी तरह से पीस ले, और आपको मिलाना है शहद में। जी हाँ दोस्तों, शहद कितना डालना है, ज़्यादा आपको शहद नहीं डालना है, मात्र 1 चम्मच आपको शहद डालना है, और इसको मिलाकर यदि आप 3 से 4 टाइम 2 दिन तक खाते हैं तो खांसी दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के यदि आप करते हैं, बहुत ही आसान रामबन घरेलू उपाय, यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो इससे खांसी छूमंतर हो जाती है, यानी कि खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और आसान घरेलू उपाय है, तो आप इसे ज़रूर आजमा कर देखेंगे। यदि आपको खांसी की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल खांसी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा अगला उपाय है हैजा। जी हाँ दोस्तों, लौंग जो होता है हैजा बीमारी को भी ठीक करने में रामबन काम करता है। तो आपको लेना है 1 गिलास पानी। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें डालना है आपको 2 लौंग का चूर्ण, ज़्यादा आपको लौंग का चूर्ण नहीं डालना है, सिर्फ 2 लौंग का चूर्ण डालना है, और 2 चम्मच प्याज का रस। इन सबको अच्छे से मिला ले, और 2 से 3 बार पीने से, दिन में 2 से 3 बार पीना है, ऐसा रेगुलर पीने से हैजा बीमारी ठीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसका रेगुलर प्रयोग करते हैं, रेगुलर सेवन करते हैं, तो हैजा बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और आसान घरेलू उपाय है, आप इसे आसानी से करके हैजा बीमारी को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला उपाय है, आपको लेना है, यदि दांत दर्द होता है तो 4 से 5 आपको लेना है लौंग, और आप इस लौंग को आप पीस लें और गर्म पानी में डाल लें। गर्म पानी में आप इसको अच्छी तरह से मिला लें, और मिलाने के बाद इस पानी से आपको कुल्ला करना है, यानी कि पी भी सकते हैं और कुल्ला भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो 2 से 3 बार करने से ही दांत दर्द की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, दांत दर्द बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दांत दर्द की प्रॉब्लम होती है तो आप इस आसान घरेलू नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखेंगे, दांत दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा अगला उपाय, यदि आपको जी मिचलाता है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको जी मिचलाता है, यानी उल्टी जैसा करने का मन करता है, तो आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, लौंग लेना है, 2 से 3 लौंग लेना है, और उसको आप मुंह में डाल लें, और उसको हल्का धीरे धीरे देर तक चूसता है, धीरे धीरे देर तक मुँह में रखे रहे, और हल्का हल्का दबा कर इसका रस को आप खाते रहे। ऐसा करने से जी मिचलाना बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो जी मिचलाना बिल्कुल ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा लौंग काम करता है जी मिचलाने की प्रॉब्लम में। तो फ्रेंड्स, आप इससे भी जरूर आजमा कर देखेंगे, आसानी से जी मिचलाने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा अगला उपाय है बुखार। यदि आपको बुखार होता है तो आपको लेना है लौंग का चूर्ण बना लेना है, और गर्म पानी के साथ खाना है। ऐसा करने से बुखार में बहुत राहत मिलती है, और ये बहुत ही अच्छा और आसान घरेलू उपाय है, बुखार में बहुत राहत देता है लौंग को खाने से। तो लौंग का चूर्ण यदि आप 3-4 बार खाते हैं सुबह शाम 2-3 दिन तक, तो बुखार बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी ज़रूर आजमा कर देखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा और आसान घरेलू उपाय है बुखार को बिल्कुल ठीक करने। तो फ्रेंड्स,
मैं जो भी टिप्स बताई हूँ, जो भी आसान घरेलू उपाय बताई हूँ लौंग के बारे में, तो आप इससे ज़रूर प्रयोग करके देखेंगे, आप इसका इस्तेमाल करके देखेंगे फ्रेंड्स, आप इसका सेवन करके देखेंगे, बिल्कुल बीमारी दूर होती है इस उपाय से। बहुत ही अच्छा और आसान घरेलू उपाय है और इससे आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से करके बीमारियों को दूर कर सकते हैं सिर्फ घरेलू उपाय से। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर करके देखेंगे, इससे बिल्कुल बीमारी ठीक होती है और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जो होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।